सबसे पहले सुंदर जी, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। किस लिए? पिक्चर अभी हिट नहीं हुई है, अभी होगी। मतलब क्योंकि ट्रेलर एंड गाने हमने देखा जितने भी आए वो हाँ। लोगों को बहुत ही पसंद आया। आपने भी देखा होगा मिलियंस ऑफ व्यू क्रॉस कर चुके हैं ट्रेलर। मिलियंस व्यूज तो आज तक लोग आजकल लोग खरीद लेते हैं, उसका क्या है? बट एक्चुअली मैं लोगों का हमारे पास पैसे नहीं थे, हम बेचारे बहुत गरीब पिक्चर है, हमारे पास कोई सुपरस्टार नहीं है। मतलब वो पंजाब में सुपरस्टार है, अभी पिक्चरें अभी करनी शुरू करी हैं हिंदी में, और मैं स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ अभी। हम दोनों हाँ, तो फिर भी स्ट्रगलिंग एक्टर ही हुए, अभी मैं स्टार नहीं हूँ। तो हमारे पास पैसे नहीं थे यूट्यूब व्यूज खरीदने के, तो अभी है तो ऐसा तो बोल रही हूँ। हाँ, तो वो अच्छा साइन होता है। सो जब पहली बार ट्रेलर देखा था मैंने, उसी टाइम मैंने बोल दिया था कि ये मुझे लगेगा, क्योंकि अगर आप देखते हो हाँ अपनी फिल्म है, थोड़ा सा एग्जैक्ट तुम्हें नहीं पता चल सकता कितना अच्छा, कितनी बड़ी हिट होगी कितनी नहीं होगी, ये नहीं पता होता। बट अच्छी है कि बुरी है ये सेंस आ जाती है। जब ये ट्रेलर देखा था पहली बार, तभी फील आ गई थी कि ये थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका अच्छा होने वाला है। और गाने तो मैंने शूटिंग के दौरान सुने थे, तो मुझे पहले ही पता था कि अच्छे होने वाला है। मेरा फेवरेट था इश्क की बाजियां उस टाइम पे, तो मुझे पता था हिट होने वाला है। वो फीलिंग आ गई थी फिल्म करते हुए ही। तो थैंकफुली ऑडियंस ने अप्रूव किया, जो भी मतलब मेरे को इंट्यूशन हो रहा था, तो लग रहा था कि हाँ चलो, मतलब मैं डिल्यूजनल नहीं हूँ, मतलब मुझे समझ में आ रहा है ऑडियंस की थोड़ी बहुत नर्व्स के इनको पसंद आएगा, तो मतलब आ रहा है वो चीज़ पसंद। बाकी 13 जुलाई को पता चलेगा जी। तो इस ये वो रीजन था फिल्म चूज करें कि फिल्म जो है रियलिस्टिक पर है, या हम इसे बायोपिक कह सकते हैं संदीप जी की, तो ये वो रीजन था फिल्म आपने ये फिल्म की क्योंकि क्या आपको गाने हम हाँ या फिर कह सकते क्योंकि आपको अभी तक हम डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में देख रहे हैं, मार के गिरा देती है लोग, मार के गिरा देती हूँ। इसमें हॉकी से मारूंगी मैं। तो ये वो रीजन था फिल्म चूज करने का या फिर नहीं? फिल्म चूज करने के दो रीजन थे। पहला तो ये था कि नहीं पता इस कहानी के बारे में जो हुई, वो जो थोड़ी शर्मनाक बात है, जो मैं हर अपने इंटरव्यू में ट्रेलर लॉन्च के दौरान भी मैंने ये बात कही थी कि बहुत थोड़ी एम्बैरेसिंग बात थी कि नहीं पता इतने बड़े इंसिडेंट के बारे में, जो हमारे कैप्टन रह चुके हैं उनके बारे में। अगर ये आज की डेट में क्रिकेट के साथ हुआ होता तो शायद स्टोरी कुछ और ही होती, मतलब पूरा कंट्री हिल चुकी होती इस टाइम पर। तो ऐसा नहीं, हमें पता ही नहीं था, और अपने आप को मैं एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट मानती हूँ, तो वो थोड़ी सी एम्बैरेसिंग बात थी। एक रीज़न वो था ताकि ये एक तरीके से अपना गिल्ट निकाल सकूं, तो एक तरीका बनना चाहती हूं ऑडियंस देखे ये पिक्चर। और दूसरी इसलिए क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स का शौक है, तो जब मौका मिला खेलने का मैंने कहा अब यार पता नहीं कब मेरे को कोई मिले कोई ऐसा रोल बायोपिक वाला, तो फ्यूचर में देखते हैं। बट अभी जो मिल रहा है स्पोर्ट्स, थोड़ा बहुत खेलने का मौका मिल रहा है ऑन स्क्रीन, तो मन था स्पोर्ट्स वुमन प्ले करने का, तो कर लिया। तो थोड़ा बहुत आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि लेकिन अगर आप बता सकें कुछ। हरप्रीत, प्रीत बुलाता है इसको संदीप का कैरेक्टर फिल्म में, एंड स्पोर्ट्स वुमन है तो ऑब्वियसली एक गो गेटर तो होना ही है ऑन फील्ड। सेंटर फॉरवर्ड खेलती है अपने कंट्री के लिए, एंड वो ऑन फील्ड डिफरेंट पर्सनैलिटी है, ऑफ फील्ड डिफरेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि हमारे पास ना वन ऑन वन इंटरेक्शन करने की परमिशन नहीं थी इस लड़की से। हमने जो भी पता चला हमारे को इसके बारे में संदीप के थ्रू पता चला, और थोड़ा बहुत हमने फिर उस पर बिल्डअप किया कि अच्छा ऐसा था तो ऐसा हुआ होगा इसका कैरेक्टर, मतलब ऐसे होगी रियल लाइफ में। जितना हमने संदीप से गैदर कर पाया उस पर हमने वर्क किया, तो इतना पता था कि ऑन फील्ड तो गो गेटर थी उसको, मतलब सेंटर फॉरवर्ड खेलती थी, तो बहुत उसकी खेलना बहुत अग्रेसिव था उसका। बट जो वो ऑफ फील्ड जाती थी तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज और डिमीनर था बिल्कुल चेंज हो जाता था, क्योंकि थी वो शाहबाद की एक मतलब स्मॉल टाउन लड़की, तो वो एकदम वो कॉय शाय लिटिल कंपोज्ड उस टाइप की कैरेक्टर थी, जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं यूजुअली स्पोर्ट्स वुमन से, कि वो एक्सपेक्ट होता है कि भाई वो तो टॉम बॉयश ही होने वाला ऑफ फील्ड भी, मतलब उसका बिंदास एटीट्यूड जो होगा वो ऑफ फील्ड रहेगा, बट इसका ऐसा नहीं था। तो वो जो इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट था वो मेरे लिए चैलेंजिंग था कि चलो स्पोर्ट्स का शौक है तो मैंने उस शौक में हॉकी तो सीख ली, बट वो ऑफ फील्ड जो शाहबाद की लड़की जो है वो मेरे लिए आसान और रिलेट नहीं कर सकती थी मैं उससे, तो वो पार्ट मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। क्योंकि आपने बताया कि नहीं दूसरा सवाल
सोच ले, तू लिख ले, काम कर। सवाल बहुत ट्रिकी हो रहा है, सवाल लिखने की आदत नहीं। तो शाद अली की आपने और भी फिल्में देखी होंगी, तो कैसा रहा शाद अली जी के साथ का एक्सपीरियंस? शाद ना, देखो कोई भी डायरेक्टर अगर माहौल सेट का अगर अच्छा कर सकता है, आधा काम हो जाता है वहाँ पे। तो शाद इज सच अ फनी पर्सन, और वो इतना उसकी उनकी वाइब इतनी फन और पॉजिटिव है कि सेट पे इतना चिल्ड आउट माहौल था कि नथिंग सीम्ड लाइक स्ट्रेसफुल कि भाई अच्छा अभी ये इंटेंस सीन हो रहा है, क्योंकि पिक्चर में इतने इंटेंस सीन्स हैं, हादसे हैं और वो मैचेस हैं जो स्ट्रेसफुल हैं, पर वो इतने चिल्ड आउट और कूल से थे कि लग नहीं रहा था कि हम इतनी कोई डिफ़िकल्ट और इंटेंस चीज़ शूट कर रहे हैं। तो दैट रियली हेल्प्ड, एटलीस्ट आई एन्जॉय सच एन एटमोसफेयर, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो आके मतलब इंटेंसिटी दिखानी, ऑफ स्क्रीन भी इंटेंस रहोगा तो वो इट्स वेरी ड्रेनिंग, लाइक मतलब बंदा इंसान बहुत थक जाता है फिर मेंटली। सो दैट वे इज यू नो ही वाज रियली गुड इन कीपिंग द मोमेंटम अप ऑफ स्क्रीन। आप भी जब शाद अली जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि मतलब आप इस फिल्म की सोल हैं, आप इस फिल्म का आई थिंक बिकॉज़ मैं इकलौती लड़की लगता है पिक्चर में। क्या फील करते हैं आप जब इस तरह का कमेंट आता है डायरेक्टर? नहीं ऑब्वियसली ही हैज टू से गुड थिंग्स अबाउट मी ना, मैं पिक्चर की हीरोइन हूं तो अच्छा ही बोलेंगे मेरे बारे में, बुरा थोड़ा बोलेंगे। नहीं देखिए, पिक्चर संदीप सिंह के लाइफ के बारे में है जो दिलजीत निभा रहे हैं, बट हाँ ये पिक्चर हॉकी के बारे में नहीं है, ये पिक्चर संदीप के बारे में है, जो उसकी लाइफ में लोग थे, उन्होंने कैसे उसको इफेक्ट किया और इन्फ्लुएंस किया उस बारे में है। तो इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स फिल्म, इट्स अ स्पोर्ट्स ड्रामा। सो द ड्रामा इज़ प्राइमरली जो कैरेक्टर्स संदीप की लाइफ में थे, उन्होंने उसकी लाइफ में क्या ड्रामा क्रिएट किया, जिसके अंदर ये लड़की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी, चाहे वो उसका हॉकी पहली बार खेलने के लिए हो, या जब वो हादसा हुआ उसके बाद क्या हुआ इस लड़की के साथ, वो हो जो हमने अभी तक रिवील नहीं किया है कि वो जो छोड़ के गई तो क्यों छोड़ के गई, कहाँ गई, क्या हुआ उसके बाद, मिले कि नहीं मिले दोबारा, तो वो दिखा ना अबैंडन्ड बाय लव, तो वो छोड़ कर चली जाती है, तो बट क्यों जाती है, कहाँ जाती है, फिर मिलती है कि नहीं मिलती है, वो पिक्चर देखो, वो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो हमने पिक्चर में नहीं अभी तक नहीं बताया है कहीं, वो देख के आपको पता चलेगा। और एक शायद वो रीज़न है जब मुझे लगता है कि प्रीत जो कैरेक्टर है वो मेंटली इतनी स्ट्रांग थी, मैं नहीं थी, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाती जो उसने किया। आप तो डायरेक्टली नाक तोड़ देती है। तू मेरे तोड़ने फोड़ने पे क्यों तुला है यार, मैं पिक्चर में हीरोइन हूँ, मेरे को पिक्चर मैं बहुत एकदम मतलब सॉफ्ट एंड कॉय एंड शाय हीरोइन हूँ पिक्चर में। हम उस तुम ये तोड़ने फोड़ने की बात ना मुल्क के टाइम करना आके, ठीक है? हाँ, तब करेंगे। हाँ तो हम चेयर वेयर तोड़ेंगे, टेबल तोड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है? नहीं लिटरली नहीं, मतलब वो बोली संदीप की मैं बात करूँ, आपके किरदार की अगर मैं बात करूँ, जब संदीप इंजर्ड हुए, उन्हें गोली लगी, तो ये सब सारी चीजें हो रही थी और सारी दुनिया वाले बोल रहे थे कि अरे अब वो उठ नहीं पाएगा, व्हील चेयर नहीं छोड़ पाएगा, अब वो हॉकी नहीं इंडिया के लिए खेल पाएगा। आप जब ये सारी चीजें देख रही थी तो क्या फीलिंग थी आपके दिमाग में एज एन कैरेक्टर? उस लड़की की मैं बात करना चाहूँगा या वो ही तो मैं कह रही हूँ, आपको देखना पड़ेगा जाके पिक्चर में। ऑब्वियसली देर वॉज लव बिटवीन देम, तो शॉक तो उसको भी लगेगा, धक्का उसको भी लगेगा, बुरा उसको भी लगेगा, बट वो कैसे डील करेगी उसको, वो चीज़ है देखने वाली जो पिक्चर में आपको दिखेगी कि क्या करती है वो इस चीज़ को लेके और क्यों करती है। बट हाँ ऑब्वियसली अब शी इज़ इन लव विद द गाय, सो उसकी लाइफ भी हिलती है, सिर्फ संदीप की नहीं हिलती उसके बाद, उसकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं तो उतनी तो चेंज हो ही जाती है जितनी संदीप की चेंज होती है उसके बाद। अच्छा, क्योंकि आपने बताया स्पोर्ट्स आपका फेवरेट है, एंड ऐसे स्पोर्ट्स पर की बायोपिक करनी हुई तो किसी की भी मिल जाए यार, नहीं मतलब आपका जो फेवरेट हो, ये बेगर्स आर नॉट चूजर्स यार, किसी की भी मिल जाए। ओके, एंड वो गाना देखा मैंने लालटेन, हाँ वही देखा क्या? नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरह हाँ, से आपने आपने और अंगद बेदी ने हाँ, बहुत ही फन डांस किया, आप लोगों ने डांस किया हाँ, वो बहुत ही अच्छा, तो हाँ, कैसा रहा वो रात में शूट किया, एक रात हाँ, में पूरी में शूट हो गया, गणेश मास्टर आए थे, सिंगल शॉट लंबे लंबे दे के उन्होंने गाना निपटा दिया एक ही रात के अंदर, और ठंड थी इतनी ज़्यादा उस दिन, मुझे याद है शाहबाद में शूट किया और बहुत ठंड थी, आई इतनी ठंड तो मतलब मुझे बाहर यूके में जाके नहीं लग रही थी जितनी वहाँ लग रही थी रात को, मुझे ठंड एकदम, खेतों के बीच में था वो घर जो थे,
एंड या सो वो गणेश मास्टर ने एक झटके में निपटा दिया वो, और वो बहुत सुंदर गाना आया, वो आई थिंक वो एनर्जी बढ़ा देता है फिल्म की. सो और एक सही ओकेजन पे आया है, जब विक्रम की शादी हो जाती है उसके बड़े भाई की, तभी वो अंगद है उसकी रिसेप्शन होती है और इसका वेलकम होता है संदीप का एट द सेम टाइम, और मैं पहली बार फैमिली से मिलती हूँ उस गाने के अंदर. सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, सो दैट्स लाइक द हाई पॉइंट ऑफ द फिल्म एक्चुअली. चलिए टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है. हाँ बाकी तुम आना, बहुत सारी बातें करना तुम मुझसे करेंगे क्योंकि आप ढेर सारी फिल्में कर रही है. हाँ तो बचा के रखो बातें. तो मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट करती हैं आप? बस मैंने पिछले मनमर्जी आ रही है. हाँ अमित जी के साथ में साथ पिछले 8-9 महीने से सिर्फ मेरे को 20 दिन छुट्टी मिली है, इस तरीके से मैंने मैनेज किया है. बट कोई कंप्लेंट हो गया, मैं एंजॉय कर रही हूँ यार. इसी दिन के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे थे, तो फिर अभी क्या करूँ? अभी रोऊंगी थोड़ा ना बैठ के, हाँ अब मैं बिजी हूँ, ऐसे थोड़ा होता है. हाँ 13 जुलाई प्लीज देखना थिएटर में जाके और पसंद करना और मुझे बताना. ठीक है, यू आर वेलकम.